वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी और आज मैं फिर से आप लोग के लिए एक न्यू हेयर स्टाइल लेके आ गई हूँ। तो कैसा हेयर स्टाइल बनता है आपको वीडियो में देखने को मिलेगा, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं पहले ही नहीं बता सकती क्योंकि मैं भी बनाने के बाद से हेयर स्टाइल को नाम देती हूँ और पता चलता है कि कैसा हेयर स्टाइल बना है। तो चलिए हेयर स्टाइल को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और कल परसों भी मैंने बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल बताया है जो कि बहुत आसानी से स्टाइलिश लुक आप लोग को दे देंगे, तो आप जाके ट्राई देख लीजिएगा और ट्राई जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बालों को ईयर टू ईयर पार्टिंग करनी है इस तरीके से। आज का भी जो हेयर स्टाइल है वो मैं साइड पार्टीशन से करूँगी क्योंकि मुझे बीच में बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि मैम आप साइड पार्टीशन से हेयर स्टाइल बताइए, तो साइड पार्टीशन से हेयर स्टाइल कर रही हूँ। इस तरीके से बालों को पहले ईयर टू ईयर पार्टिंग करना है, बाकी सारे बैक वाले बालों को एक अच्छे से कॉम करके हाई पोनी टेल बना लेना है। आप लो भी बना सकते हो अगर आपको लो पसंद है तो। ओके, इस तरीके से कॉम करके थोड़ा तो आपने क्राउन एरिया पे आपको पोनी बनानी है। टाइटली पोनी बनाने के बाद से आपको ऐसे ही बालों को छोड़ना है एंड बैक जो हेयर हैं उसको हल्का हल्का कॉम करके और हल्का हल्का बैक कॉम्बिंग देना है बालों में और थोड़ा सेटिंग स्प्रे मार देंगे ताकि जो हमारा हेयर है वैसे का वैसे रहे। और पतले हल्के बाल हैं तो आप इसमें इससे वॉल्यूम आ जाएगा आपके बालों में, जिससे कि आपका बन जो है वो काफ़ी बड़ा दिखेगा। तो दो बार ही बैक कॉम्बिंग किया है मैंने, उसके बाद हल्का सा ट्विस्ट करेंगे बालों को, देन इस तरीके से घुमाएंगे। जो ऊपर का फ्लैट हेयर है उससे अपने बैक कॉम्बिंग वाले हेयर को अच्छे से हाइड कर लेना है। ओके, इस तरीके से करने के बाद से आपको इसको यू पिन से सिक्योर कर देना है अपने बन को। यू पिन अच्छे से लगा लेना है। तो ये हमारा बैक का बन बन के रेडी हो गया है। अभी आपको जो आपका फ्रंट का हेयर बचा हुआ है, इस साइड के जो हेयर हैं, जैसे हमारा अगर हेयर फॉल होता है तो जो हमारा ये साइड स्कैल्प होता है यहाँ से हमारे हेयर बहुत ज़्यादा अजीब से दिखते हैं, तो आपको छोटा छोटा सा सेक्शन लेके ट्विस्ट करना है। इससे जैसे आपके बेबी हेयर्स हैं ना वो भी आपके ट्विस्टिंग में आ जाएंगे, जिससे कि वो बाहर नहीं निकलेंगे और आपके हेयर स्टाइल का लुक ख़राब नहीं करेंगे। तो इस तरीके से ट्विस्ट करना है, ट्विस्ट करके इसको बन के चारों तरफ इस तरीके से लपेट देना है। अगेन ट्विस्ट करना है, ऐसे ट्विस्ट करना है ताकि जो ये लाइनिंग है वो प्रॉपर दिखे। यहाँ से मैं लेयर छोड़ दी हूँ बालों का और उसके बाद से ट्विस्टिंग करूँगी। देन लास्ट वाला जो सेक्शन है, यहाँ के भी जो हेयर निकलते हैं उसको भी अच्छे से ट्विस्टिंग के साथ ही ऐड कर लीजिए।
और बंद के चारों तरफ इसको लपेट दीजिए। तो इस साइड का हमारा इस तरीके से बन के रेडी हो गया है। अभी इस साइड का जो हेयर है उसमें हम लोग फ्रेंच ब्राइड बनाएंगे। थोड़ा सा सेक्शन लास्ट वाले सेक्शन यहाँ से लेंगे, देन इसको इस तरीके से बनाते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा लेयर लेके इसके साथ ऐड करते जाएंगे और चोटी को बनाते जाएंगे। ओके, इस तरीके से गूंथते जाएंगे। अगर आपको हेयर स्टाइल बनानी बिल्कुल भी नहीं आती है तो थोड़ा थोड़ा आराम से कीजिएगा, नहीं तो आपका जो हेयर स्टाइल है उसका लुक ख़राब हो जाएगा और अनमैनेज से दिखेंगे आपके आपका जो हेयर स्टाइल है वो। मेरे चेहरे पे लेयर्स सूट करते हैं तो मैं लेयर्स निकाल रही हूँ, आप अपने फेस के अकॉर्डिंग हेयर स्टाइल बनाइएगा। जितने भी हेयर बचे हैं उनको सिंपल इस तरीके से चोटी गूंथ लीजिए, ब्राइड बना लीजिए। पूरा एंड तक गूंथ लेना है। ओके, गूंथने के बाद एंड पार्ट पे एक रबड़ बैंड लगा देंगे जिससे कि हमारा जो ब्राइड हमने बनाई है वो खुल ना जाए। अब आपको यहाँ से थोड़ा थोड़ा इसको खींचना है जिससे कि जो हमारी ब्रेड है उसका लुक अच्छा आ जाए। ओके, अब इस तरीके से करके बैक साइड से इसको लेके जाएंगे। और सॉरी कॉल आ रहा था, इस तरीके से बैक साइड से लेके जाएंगे पूरा बन के चारों तरफ और इस साइड से लेके आएंगे एंड रबर बैंड को हाइड करते हुए यू पिन से अपने बन को सिक्योर करेंगे। तो ये आपका पार्टी में भी आप ये बन बना सकते हो। और अगर आपको लॉन्ग टाइम तक सेट रखना है तो थोड़ा सा सेटिंग स्प्रे इस तरीके से लगा के बालों को बस सिंपली इस तरीके से कर देना है ताकि कहीं से आपके वो बेबी हेयर्स है जो वो निकले नहीं। बैक में भी थोड़ा सा कॉम्ब पे सेटिंग स्प्रे लगाना है और अच्छे से कॉम कर देना है। तो ये हमारा बन बन के यहाँ पे रेडी हो गया है जो कि काफ़ी इजीली आप बना लोगे। एंड कैसा लग रहा है आपको ये आप मेरा बन हेयर स्टाइल? आई होप कि पसंद आया हो गाइस। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी इस तरीके की ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल्स की वीडियोस देखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।